मामू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वो क्या? इससे फरिया का शौहर उसको लाजमी छोड़ दे। भाई वो कैसा आइडिया है, जल्दी से बताओ। हम फरिया के घर पे एक लड़का भेजेंगे जिससे हमाद को शक हो जाएगा कि फरिया का कोई अफेयर चल रहा है। एकदम फ्लॉप आइडिया है तुम्हारा। फ्लॉप आइडिया कैसे? भाई मैं इतने दिनों से हमाद को शक में डाल रहा हूँ, असर हुआ क्या उस पर? हम किसी यंग लड़के को भेजेंगे मामू, जिससे हमाद को शक तो हो। अरे तो मैं क्या यंग और स्मार्ट नहीं हूँ? इस दफा हम आपसे भी ज्यादा यंग लड़का भेजेंगे। अच्छा चलो ठीक है, जैसा कहती। तो फिर आप अपने किसी दोस्त से बात करें और कोई लड़का अरेंज करें। ये तो है। कैसी हो आयजा? कैसी हैं आप भाभी? आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था कि आज आपने हमाद भाई की पसंद का बहुत ख्याल रखा है। थैंक यू सो मच आयजा। हमाद को इस स्टाइल की ड्रेसेस पसंद है ना, इसलिए मैंने पहने। बिल्कुल, भाई को ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद है। आप देखिएगा, आज हमाद भाई आपको देखेंगे ना तो बिल्कुल हैरान हो जाएंगे और फौरन आपकी तरफ भागे हुए आएंगे। वैसे मॉम कहाँ है? आओ मैं मॉम के पास लेके चलती। अच्छा आंटी बताए ना, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल ऐसी जैसी मेरी बहू को होना चाहिए। अच्छा रियली आंटी, वैसे मेरी शुरू से यही ख्वाहिश रही है कि मैं बिल्कुल आपकी बहू की तरह लगूं। अरे सारा तुमने अभी तक सेट नहीं पहना। वो आंटी जब मैं पार्लर जा रही थी तो फरिया भाभी के पास ही सेट भूल गई थी, बस मैं अभी लेकर पहन लेती हूँ। ओह हाँ हाँ पहन लो, सारे मेहमान आ गए हैं, वो दुल्हन को बगैर सेट के देखेंगे तो क्या फील करेंगे। जी आंटी, बस मैं यूं गई और यूं आई। जाओ जाओ जल्दी जाओ। घर अच्छा लग रहा है ना आज? बहुत ज्यादा, लेकिन घर से ज्यादा आज मुझे मेरा भाई अच्छा लग रहा है। भाई शादी है मेरी, कोई मजाक थोड़ी है, अच्छा तो लगना था। वैसे फवाद एक बात बताओ, तुमने अपनी शादी घर पे क्यों रखी? बस ऐसे ही। फवाद मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ। अरे मैं कहाँ झूठ बोलूँ आयता, सच तो बोल रहा हूँ, बस ऐसे ही। फवाद मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, चलो आप बताओ मुझे। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें इस घर में आता जाता देख सकूँ, इसलिए मैंने घर में ही सब कुछ अरेंज कर दिया ताकि तुम इस बहाने से ही घर आ सको। थैंक्स फवाद। चलो नीचे चले। परिया तुम यहाँ? मैं भी तुम्हारे कमरे में ही जा रही थी। क्यों, कोई काम था क्या? हाँ परिया, तुम वो मुझे सेट दे सकती हो? याद है जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया था? वो तुम अलमारी से निकालो, तुम्हारे पास चाबी है तो। अरे भाई पता नहीं कहाँ गई वो चाबी। अब तुम्हें तो पता है कि मेरी शादी है और मेरा पूरा कमरा उल्टा हुआ हुआ है और मैंने पता नहीं चाबी कहाँ रख दी है। प्लीज तुम मुझे सेट दे दो ना। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा तुम जाओ। ये लो। परिया मेरा दुपट्टा पिन अप है, प्लीज तो मुझे सेट पहना दो ना। अच्छा सारा, इसमें से सेट कहाँ गया? यही डब्बा था ना? फरिया ज्यादा एक्टिंग मत करो।
और सीधी तरह बताओ कि इसमें से सेट कहां पर है। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। अच्छा तो मैं तुम पर ये चोरी का इल्जाम लगा रही हूँ। ये खाली डब्बा इस बात का सबूत है कि तुमने चोरी की है। सारा तुम कसम ले लो, मैंने ये डब्बा खोल कर नहीं देखा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सेट कैसा था। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी फरिया, मुझे आंटी के पास ही जाना पड़ेगा। प्लीज तुम उनको मत बुलाओ, मुझ में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। ओह तो तुम्हें ये बात पहले सोचनी चाहिए थी ना कि तुम्हारे अंदर आंटी के सामना करने की हिम्मत नहीं। मुझे सीधी तरह से बताओ कि सेट कहाँ पर है। तुम कोई भी कसम ले लो, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। अब इस बात का फैसला सिर्फ आंटी करेंगी। मैं अभी आंटी के पास जाकर उनको सब बताती हूँ। या अल्लाह मैं क्या करूं? तू तो जानता है ना कि मैंने चोरी नहीं की। आंटी आंटी आंटी, आपको पता है फरिया ने वो सेट चोरी कर लिया है। क्या सेट चोरी कर लिया? जी आंटी, वो डब्बा भी खाली है और फरिया वो सेट वापस भी नहीं कर रही है। फरिया को सेट मैंने संभाल के रखने के लिए दिया था और उसने ये किया। मैं अभी उससे पूछती हूँ। फरिया फरिया फरिया, मॉम ये मैं सोच भी नहीं सकती थी फरिया कि तुम अपने ही घर में चोरी करोगी। मॉम मैंने चोरी नहीं की। मत कहो अपनी गलीज ज़बान से मुझे मॉम। मॉम आप मुझसे हल्फ उठवा लें, लेकिन मैंने चोरी नहीं की। ये झूठ बोलती आंटी। आपको याद है मैंने आपके सामने ही फरिया को सेट दिया था। फरिया बताओ आंटी को कि सेट कहाँ रखा है तुमने। मुझे नहीं पता कि वो सेट कहाँ है, मैंने तो खुद नहीं देखा। तो क्या सेट के पर निकल आए जो वो उड़ गया? मॉम आप मेरी बात का यकीन करें, मैं चोर नहीं हूँ। फरिया शराफत से बता दो वो सेट कहाँ है, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? हाँ पुलिस। यहाँ भी नहीं है फरिया, शायद अपने कमरे में होगी। सुनिए। जी फरिया कहाँ है? जी वो अपने कमरे में होंगी। शुक्रिया आर्यन, आप दोनों बाहर चलकर बैठे, मैं फरिया से मिलकर आती हूँ। चलिए खा लो। चलिए बेटा चलिए, आइए खाना जी। मॉम प्लीज पुलिस को मत बुलाए, मैंने कुछ नहीं किया। मॉम मेरी बात तो सुने। मॉम मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, प्लीज मेरी बात सुने। मुझे सेट दे दो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। मतलब मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया। फरिहा मुझे सच सच बता दो कि सेट कहाँ पर है। मुझे खुद नहीं मालूम कि वो सेट कहाँ है। देखो फरिया मैंने वो सेट पहन लिया। ये तो वही सेट है। महरीन मुझे सच सच बताओ कि ये सेट तुम्हारे पास कहां से आया? आंटी ये सेट मुझे सारा ने गिफ्ट किया है। मैंने दिया है? मेरी भाभी मैं भला आपको इतना महंगा और कीमती गिफ्ट कैसे दे सकती हूँ? ये आप क्या कह रही हैं? सारा ये तुम क्या कह रही हो? वही जो सच है मेरी भाभी, मैं भला आपको इतना महंगा और कीमती सेट क्यों गिफ्ट करूंगी? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं मेरी भाभी? अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब मैं कार्ड देने आई थी तो वहाँ पर खाला भी मौजूद थी ना? बिल्कुल मौजूद थी। चाहे तो आप ये बात खाला से पूछ लीजिए। तो ठीक है गवाही के लिए खाला को ही बुला लेते, क्योंकि फरिया के अलावा वही गवाही दे सकती हैं। ठीक है
फरीहा की खाला को बुला लेते हैं, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। जी आंट। कमल, कमल, फरीहा की खाला को बुला के लेकर आओ। अरे ये कैसी शादी है, इतने सन्नाटे बोल रहे हैं, यहाँ कोई नजर ही नहीं आ रहा, ना बंदा ना बंदे की जात। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिनों भूतों की शादी में आ गई हूँ मैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, आँख खुले तो पता चले कि मैं अपने पोसीदा से पिस्से पे खर्रांटे ले रही हूँ। अरे ये कैसी शादी है, ना देगों की खड़क, ना बर्तनों की छनक, ना कोफ्ते बिरयानी कबाब की खुशबू भटक रही है, ये कैसी शादी है। अरे ये है कि होती है बड़े लोगों की शादी, ना कोई गाने बजाने, दिल तड़प रहा है गाना गाने के लिए। ये कहाँ आप फरिया बीबी की खाला है? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। आपको फरिया बीबी बुला रही है? हाँ जी, चलो 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 भी। अरे फरिया, इतने देर के बाद मुझे अंदर बुलाया, मैं तो वहां बैठे बैठे सूखी गई थी, परेशान हो रही थी, बहुत डिप्रेशन हो रहा था मुझे। मैंने आपको बुलाया था। ओह थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। अरे आप तो मेरी पक्की पक्की क्लोज फ्रेंड हो गई हैं, जब ही तो आपको मेरा ख्याल आया, थैंक्स थैंक्स। मैंने आपको यहाँ पे किसी काम के सिलसिले में बुलाया है। काम? ये कैसा काम? मैंने यहाँ कोई काम वाम नहीं करना, फरिया मुझे इसलिए बुलाया। दरअसल मुझे आपसे ये पूछना है कि जब सारा महरीन को कार्ड देने के लिए आई थी तो आप वहां थी या नहीं? ओह या, हाँ हाँ, मैं तो चश्मदीद गवाह हूँ, जब सारा कार्ड देने गई थी मैं तो सारा के साथ बैठी रही, मैंने तो इंग्लिश सॉन्ग भी सुनाया और बहुत गुफ्त चली थी हम दोनों की। तो आप ये बताइए कि सारा ने महरीन को कोई सेट गिफ्ट किया था क्या? बेगम आगा, मैं बात करती हूँ खरी, चाय लगे किसी को बुरी, मेरे सामने तो सारा ने कोई गिफ्ट किया, इतना सा भी गिफ्ट नहीं दिया। देखा आंटी, अब आपको मेरी बात पर यकीन हुआ ना, अब तो आपको मेरे हक के बारे में भी गवाही मिल चुकी है कि मैं सच बोल रही थी। फरिया, मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। मॉम प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैं इतना कीमती सेट महरीन को क्यों दूंगी? फरिया भाभी, झूठ की भी कोई हद होती है, जब आप इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे सकती तो भला आप मुझ पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं कि गिफ्ट मैंने दिया है? फरिहा बस करो, तुम्हारे घर की गवाही तुम्हारे खिलाफ चली गई है। आंटी आप इतना वेट क्यों कर रही हैं? निकाल बाहर करें इस फरिहा को, वरना घर की सारा कीमती सामान ऐसे ही अपने ससुराल में पहुंचा देगी। फरिहा, तुम अभी और इसी वक्त महरीन के साथ निकल जाओ। मॉम प्लीज मेरी बात का यकीन करें, वो सेट सारा ने ही महरीन को दिया था। आंटी प्लीज आप इस तरह मत करें। तुम बीच में मत बोलो। फरिया, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, महरीन को लेके अभी इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारा वजूद भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, निकल जाओ बस। मॉम मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? लगता है तुम इस तरह से नहीं मानोगी, जब मैं नौकरों को बुलवा के तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकलवाऊंगी ना, तब तुम समझोगी, निकल जाओ यहाँ से। फरिया तुम अभी मेरे साथ चलो, ऐसे लोगों में रहकर अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो तुम? महरीन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना फरिया, तुम मेरे साथ चलो, यहाँ रहने का कोई फायदा भी नहीं है। फरिया तुम चलो मेरे साथ। ये लीजिए वो सेट। मेरे नजदीक इंसानों की हैसियत इस सोने चांदी से बहुत ज्यादा है सारा। भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो ऐसा क्या बात है? नहीं भाई, मुझे आपसे अकेले में कोई बात करनी है। अच्छा चलो ठीक है। मोनी एक काम करो, तुम जरा जाओ, मैं दो मिनट में आयजा से बात करके आता हूँ, ठीक है? हमाद,
मैं इस तरह अकेले जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? हाँ तुम सही कह रही हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरी बात समझो ना, तुम जाओ मेहमानों को रिसीव करो, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? जा। बोलो क्या बात? क्या आपको पता भी है कि इस घर में क्या हो रहा है? नहीं मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मॉम फरिया भाभी को इस घर से निकाल रही है, उन्हें आपकी सख्त जरूरत है, प्लीज आप जाएं और मॉम को रोकें। आयजा आर यू सीरियस? तुमने इतनी सी बात के लिए मुझे रोका है? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। इतनी सी बात? ये आपके लिए इतनी सी बात है भाई? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप इतना बदल जाएंगे। क्या हो गया आपको? आप घर के हर मामले से लाताल्लुक होकर रह गए। यार आयजा बेकार की बातें मत करो, मॉम फरिया को रखें या घर से निकालें, इन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वाओ हमाद भाई, यू आर अमेजिंग। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतने बदल जाएंगे। क्या आपने एक बार भी फरिया भाभी की तरफ देखा है आज? वो आपके लिए ऐसा तैयार हुई आज। उन्होंने सिर्फ आपकी वजह से वो लिबास पहना। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी तवज्जो हासिल कर सके। मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती है भाई। अगर आज उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत जाग रही है तो कभी ना कभी आपने भी उनसे मोहब्बत की होगी। और भाई आज उनको आपकी जरूरत है और आप भी दूसरों की तरह उनके खिलाफ खड़े हो गए। कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। प्लीज भाई जाएं और उनकी मदद करें। अच्छा ठीक है, मैं चेक करता हूँ।